कि नरेंद्र मोदी जी का कार्यकाल 9 साल कंप्लीट हो चुका है और पार्टी की ओर से और अरुणाचल की पूरा जनता की ओर से मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और उनका पूरा टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, क्योंकि 9 साल में देश को पूरा उन्होंने ट्रांसफॉर्म कर दिया है और हमारे नॉर्थ ईस्ट और अरुणाचल प्रदेश जो हम लोग कभी कल्पना नहीं कर सकता था कि इस इतना शॉर्ट पीरियड 9 साल में इतना उन्नति करेंगे, इस प्रकार का लीडरशिप माननीय प्रधानमंत्री ने दिया है, तो माननीय प्रधानमंत्री को हम सभी को और से बहुत बहुत बधाई। आज मीटिंग होते हुए अभी हम डिस्कस कर रहा था कि थोड़ा सा पार्टी से भी ये गलती हो गया कि इतना गर्मी में आप लोगों के लिए वहाँ कुछ कूलर या फैन का भी इंतजाम करना चाहिए था, मगर वो कर नहीं पाया, उसके लिए मैं माफी भी मांगना चाहूंगा आप सभी से। काफी गर्मी है, मगर इसका बावजूद भी आप लोग पुणे बैठे हैं, तो मैं आग्रह करूंगा कि नेक्स्ट टाइम जो भी मीटिंग हो छोटे छोटे चीजों का भी थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। तो आज हमारे बीच श्री किरण जी यहाँ पे मौजूद है। भारत सरकार ने जो बड़े बड़े जो काम किया है श्री किरण रिजिजू जी हम लोगों का बीच में रखेंगे और उसी चीज को हम लोग अपने अपने जिलों में अपने अपने वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के जितने भी जो यहाँ विधायक गण यहाँ आए हुए हैं, डिस्ट्रिक्ट से जो पार्टी रिप्रेजेंटेटिव जो यहाँ पे आए हुए हैं, उस मैसेज को अपना डिस्ट्रिक्ट में लेके जाना है और साथ साथ अपने बूथ लेवल तक भी उसको लेके जाना ये आवश्यक है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में अभी हर एक जगह सोशल मीडिया का उतना प्रेजेंस नहीं है। इसलिए पार्टी का कार्यकर्ता हम सभी का जिम्मेदारी है कि 9 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी का लीडरशिप पर अरुणाचल प्रदेश किस प्रकार से ट्रांसफॉर्म हुआ है। खास करके मैं हमेशा कहता हूँ कि कम्युनिकेशन सेक्टर में हमेशा अरुणाचल प्रदेश काफी चैलेंजिंग एक राज्य है, काफी चैलेंजिंग का तौर पे हमेशा एक प्रॉब्लमेटिक एरिया ही रहा है कनेक्टिविटी के क्षेत्र में। मगर आज देखिए कनेक्टिविटी के क्षेत्र में कि चाहे रोड हो, रेलवे हो, चाहे एयरवेज हो या डिजिटल कनेक्टिविटी हो, इन चारों क्षेत्र में भारत सरकार के सहयोग से आज कनेक्टिविटी अरुणाचल का पूरा एक ट्रांसफॉर्मेशन एक हम लोगों को देखने को मिल रहा है। आप लोग कल्पना कीजिए कि पहले ईस्टर्न अरुणाचल से यहाँ ईटानगर आने के लिए 2 दिन कम से कम लगता था, मगर आज देखिए यहाँ से ईस्टर्न अरुणाचल जाने के लिए 5-6 घंटा में हम लोग ईस्टर्न अरुणाचल का जर्नी जो है वो हम लोग कम्प्लीट कर सकता है। अभी दूर दराज जो डिस्ट्रिक्ट है, अंजाव हो गया, अलिनी हो गया, तवांग हो गया और अपना तकसिंग एरिया हो गया, मेचुका हो गया, एक जमाना ऐसा था कि 3-4 दिन भी लग जाता था, मगर आज देखिए एक रोड कनेक्टिविटी अच्छा होने का जरिए से आज कुछ घंटों भर में हम लोग पहुंच पा रहा है। और जिस प्रकार से जो रोड का डेवलपमेंट हो रहा है सभी जगह, अभी हाईवे का जो फैसिलिटी भारत सरकार के माध्यम से जो हम लोगों को मिल रहा है, इस तरह का सपोर्ट पहले कभी नहीं मिला है। पिछले 9 वर्षों में हम लोगों को ये पूरा सपोर्ट माननीय प्रधानमंत्री जी और उनका पूरा टीम के कृपया से हम लोगों को यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है। आज माननीय केंद्रीय मंत्री श्री किरण जी को भी मैं धन्यवाद एक्सपेक्ट करता हूँ राज्य की जनता की ओर से और आपका पार्टी की ओर से कि केंद्र में वहाँ में किरण जी वहाँ में बैठकर हम लोगों का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन भारत सरकार के साथ तालमेल हम लोगों का हो पा रहा है। इसी का कारण से अरुणाचल प्रदेश में जितना भी जो बड़ा बड़ा स्कीम्स है वो भारत सरकार के जरिए से यहाँ पे लेके हम लोगों तक पहुँचा पा रहा है। तो आज के इस मंच से मैं आपका किरण जी को भी आपको बहुत बहुत मैं धन्यवाद प्रकट करता हूँ राज्य की जनता की ओर से। अभी अरुणाचल प्रदेश का जो फ्यूचर है, अरुणाचल प्रदेश का फ्यूचर बहुत ही डायनेमिक है, मगर इस डायनेमिक्स में मैं हमेशा बोलता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हम सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ही ज्यादा होने वाला है। अभी राज्य में हमेशा बोलता हूँ नॉर्थ ईस्ट का सबसे बड़ा राज्य है, बहुत ही चैलेंजिंग एक राज्य है, मगर इतना चैलेंजिंग होने का बावजूद भी हमारा राज्य में रिसोर्सेस का हमारे कमी नहीं है। पहले कम्युनिकेशन का वजह से हम लोगों को जो रिसोर्सेस जो था उसको हम लोग रेवेन्यू में कन्वर्ट कर नहीं पा रहा था। हमारे पास जो एग्रीकल्चर में और हॉर्टिकल्चर में जो क्षमता था, हम लोगों के पास मार्केट नहीं होने का कारण से, कनेक्टिविटी ठीक नहीं होने का कारण से लोग उसको एक इकोनॉमिक का दृष्टि से हम लोगों को कमाई नहीं हो पा रहा था।
हमारा ये अरुणाचल प्रदेश इतना सुंदर है, हर एक रीजन बहुत ही सुंदर है, कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम होने का कारण से हमारा वो सुंदरता को टूरिज्म में हम लोग उसको एक्सप्लोइट करके रेवेन्यू जनरेट कर नहीं पा रहा था। मगर अभी आज स्थिति जो है टोटली बदल चुका है। राज्य सरकार केंद्र सरकार का साथ में मिलकर लॉन्ग टर्म पॉलिसीज किस आधार पर चलना चाहिए हर एक सेक्टर में उसका हम लोग प्लानिंग और प्रोग्राम्स बनाते हुए केंद्र सरकार के साथ में मदद हम लोगों तक पहुंचाने में सफलता हुआ है। अभी इसमें छोटा छोटा जो बेनिफिट्स है उसको भी पहुंचाने के लिए आप सभी को पता है कि सरकार आपके द्वार कैंप के जरिए से वो अभी रिसेंटली हम लोग ने जो दोबारा फिर लॉन्च किया सेवा आपके द्वार उसके जरिए से लोगों तक चाहे प्रधानमंत्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम हो अपने राज्य का मुख्यमंत्री का फ्लैगशिप प्रोग्राम हो उसको हम लोग सेवा आपके द्वार के माध्यम से हर एक जगह हर एक गांव में पहुंचा पा रहा है। पिछले 6-7 वर्षों से जो सरकार आपके द्वार और सेवा आपके द्वार जो चल रहा था कुल मिला के मोर देन अराउंड 30 लाख लोगों को बेनिफिट हम लोग पहुंचा पाया है। सो मैं अनुरोध करेंगे आप सभी कार्यकर्ता को अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जो सेवा आपके द्वार डिप्टी कमिश्नर और ऑफिसर्स का जरिए से जो गठन होगा उसमें आप लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करके जिन जिन व्यक्तियों को अभी तक बेनिफिट नहीं मिला है उसको बेनिफिट माननीय प्रधानमंत्री की तरफ से और आप राज्य के अपने सरकार की ओर से लोगों तक आप लोग जैसे भी हो पहुंचाना है। आज देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी के इनिशिएटिव से हमारे पास जिन लोगों के पास घर नहीं है उसको आवास योजना के तहत घर भी दिया हुआ है। जिन लोगों के पास घर में पानी का कनेक्शन नहीं है जल जीवन मिशन के तहत उसको पानी का कनेक्शन भी दिया हुआ है। जिसके पास चूल्हा गैस का चूल्हा नहीं है गैस का चूल्हा भी उन लोगों को दिया गया है। जिसके पास बिजली नहीं है बिजली तक भी उनको पहुंचाया गया है। और जिन जिन घरों में इवन टॉयलेट जहाँ तक नहीं है स्वच्छ अभियान के तहत से उनको टॉयलेट तक भी लोगों को पहुँचाया है। और इवन राशन भी कोविड टाइम से ही अभी फ्री राशन का भी लोगों को हम लोग पहुंचा पा रहा है। तो इस प्रकार से बहुत सारा अन्य बेनिफिट लोगों को दे रहा है। राज्य सरकार की ओर से बेस्ट इनिशिएटिव ये रहा कि जो भी किसी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो उसको हम लोग मदद करने के लिए मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल योजना उसको हम लोग ने इम्प्लीमेंट किया है। लाखों लोगों को इसका बेनिफिट लोगों तक हम लोग पहुँचा पा रहा है। तो आप सभी से ये अनुरोध रहेगा कि जिन जिन लोगों के पास में मुख्यमंत्री आरोग्य अरुणाचल का कार्ड नहीं है उसको और भी लोगों को आप लोगों को जरिए से लोगों तक पहुंचाना ये बहुत ही जरूरी है। अभी एक नया इनिशिएटिव माननीय प्रधानमंत्री जी का बजट में इस बार अनाउंसमेंट हुआ है जिसका काम बहुत ही जल्दी हम लोगों का राज्य में भी शुरुआत होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी का जो ड्रीम है वो हमेशा लोगों का इकोनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर में फोकस रहता है। और राज्य में हमारा फोकस ये है कि हमारा रूरल पॉपुलेशन गांव में बसे हुए बहुत सारा अपना पॉपुलेशन बसे हुए हैं उसका रेवेन्यू को हम लोगों को एनहेंस करना है। सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हो या अपना लोकल एंटरप्रेनर्स के माध्यम से हो हम लोगों को रेवेन्यू को बूस्ट अप करना बहुत जरूरी है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक हम लोग को दिशा दिखाया कि वोकल फॉर लोकल और लोकल फॉर लोकल अपना लोकल जितने भी जो प्रोड्यूस है उसके लिए हम लोगों का एक मार्केट हम लोगों का देना चाहिए। तो इस साल बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने एकता मॉल जो यूनिटी मॉल है उसका भी घोषणा किया हुआ है। हर एक राज्य में एक एक एकता मॉल का कॉन्सेप्ट वो पूरा बनाया जाएगा। अरुणाचल प्रदेश में मैंने कहा कि एक ही जगह में हम लोग 2 एकता मॉल बनाएंगे ताकि आपके यहाँ के इंडिजिनियस जो प्रोड्यूस है जो अपना लोकली जो प्रोड्यूस है उसको हम लोग अच्छा एक मार्केट हम लोग दे पाएंगे। और साथ साथ अभी यहाँ ईटानगर में एक नया प्रोजेक्ट भी यहाँ पे आगे बढ़ा है। अभी यहाँ पे केंद्र सरकार के माध्यम से हम लोग को यहाँ पे रोप वे का प्रोजेक्ट भी यहाँ ईटानगर नाहरलगन में अभी आने वाला है। इसका भी सर्वे का काम ऑलरेडी अभी शुरुआत अभी हो गया है। तो आने वाला दिनों में जो बाहर से जो टूरिस्ट लोग आएंगे उन लोगों के लिए भी ये रोपवे काफी मददगार रहेगा। और यहाँ का जो अपने आम जनता को यहाँ ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी इसका काफी सहयोग होगा। अरुणाचल प्रदेश इस पूरे देश में जो बॉर्डर एरिया है सबसे ज्यादा गांव अरुणाचल प्रदेश में है उसको देखते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का घोषणा किया है। इसके बारे में आप सब लोग जानते हैं कि कुछ ही महीना पहले श्री अमित शाह जी यूनियन होम मिनिस्टर
हमारे किबितू सेक्टर में अंजाव डिस्ट्रिक्ट में वहां में एक रात बैठकर इसके बाद हमारे जितने भी जो देश का वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम था उसको वहीं से ही लॉन्च किया है। अरुणाचल प्रदेश का जो फोकस है अपने गांव के तरफ में है, गांव को डेवलपमेंट करना है, गांव को भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज से हम लोग जोड़ने के लिए काम कर रहा है। इसमें अभी हम लोग का जो मॉडल है वो कन्वर्जेंस मॉडल में हम लोग गांव में हम लोग काम करेंगे। सो इस प्रकार से अभी हमारा जितने भी जो ऑफिसर्स है, डिप्टी कमिश्नर्स है, उन लोगों को भी ट्रेनिंग अभी दिया जा रहा है। यहाँ ईटानगर में अभी एक समस्या कल हम लोगों के बीच में चर्चा हो रहा था कि यहाँ लैंड का काफी एक समस्या है जो जमीन को लेकर, क्योंकि पुराना जमाना में सभी जगह को रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करके रख दिया। अभी इस विषय पर मैं यहाँ का एमएलए साहब और यहाँ के जो सीनियर सिटीजन है उनके साथ भी हमारा बैठक हुआ। इसके अलावा हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के साथ में मीटिंग हुआ। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को हमने ये डायरेक्टिव किया ईटानगर के साथ साथ जितने भी जो बागापुर एरिया से लेके हमारा ईस्टर्न अरुणाचल जहाँ जहाँ पब्लिक कॉन्फिडेंस नहीं होके रिजर्व फॉरेस्ट डिक्लेयर करके रखा हुआ है उन सारा चीज को मैपिंग करके सरकार के सामने में रखने के लिए। और आज गुवाहाटी में केंद्र सरकार अभी बहुत बड़ा एक बिल, एक लैंड रिफॉर्म एक बिल अभी पार्लियामेंट में लेके आ रहा है। इसका अभी कंसल्टेटिव कमिटी आज गुवाहाटी में है। हमारा यहाँ से प्रिंसिपल सेक्रेटरी फॉरेस्ट और PCCF फॉरेस्ट वो दोनों ऑफिसर्स यहाँ से कल रात को चले गए आज का मीटिंग को अटेंड करने के लिए। तो वहाँ पे सरकार का हमारा पूरा एफर्ट है कि जितने भी जो इस प्रकार से ऑलरेडी जहाँ पे शहर बच चुका है उसको हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट का पहाड़ हम लोग निकालने के लिए। तो आने वाला दिनों में ईटानगर में भी जो लैंड का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसको भी हम लोग रिजोल्व हम लोग कर पाएंगे। अभी अरुणाचल को डेवलपमेंट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा इन्वेस्टमेंट आना, ये बहुत ही जरूरी है। कल IMC का वहाँ जो नया ऑफिस कॉम्प्लेक्स में भी हमने शेयर किया कि अपने ही लोग भी अरुणाचल प्रदेश में हम लोगों को इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा तो लोगों का अपना अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हम लोगों का और भी बढ़ेगा। अभी आप ईटानगर में देखिए कि पिछले 7 सालों में ईटानगर में अभी कितना बड़ा अच्छा अच्छा ब्रांड कपड़ा का चाहे ब्रांड हो, कितना होटल का चेन यहाँ पे खुल गया है, कितना रेस्टोरेंट्स यहाँ पे खुल गया है। इससे साफ दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी का जो सरकार है इसमें लोगों का ट्रस्ट है, इसमें ही आपने यहाँ पे जो इन्वेस्टमेंट आपने लोग करना भी शुरुआत कर दिया है। तो डिस्ट्रिक्ट में भी इस प्रकार का इन्वेस्टमेंट को हम लोग और भी आगे बढ़ावा देना बहुत ही जरूरी है। और इन्वेस्टमेंट के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपना लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को अच्छी तरह से हम लोगों को मेंटेन करना है। लॉ एंड सिचुएशन अगर प्रॉब्लम होगा तो ये प्रदेश कभी भी आगे नहीं जाएगा। मैं मानता हूँ कि कभी कभी सरकारी कर्मचारी के जरिए से कुछ कुछ गलत काम भी हो जाता है सरकार में, मगर सरकार तो भी गलत होगा अगर गलत काम जो किया है उसको एक्शन नहीं लेने से, अगर एक्शन लिया बिना उसको छोड़ देने से तो सरकार का जिम्मेदारी हम लोगों का हो जाता है, कुछ गड़बड़ हो जाता है। अगर सरकार उसको जो एक्शन ले रहा है तो सरकार अपना काम वो कर रहा है। इसलिए लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को भी ईटानगर नाहरलगुन, क्योंकि थोड़ा देर पहले हमारा मेयर साहब ने भी जो कहा ईटानगर नाहरलगुन जो है हमारा प्रदेश का दिल है, तो दिल अच्छा होना दिल साफ होना ये बहुत ही जरूरी है। तो इन सारा जो कचरा जो यहाँ पे कुछ लोगों के कारण से अरुणाचल का भी नाम बदनाम कर रहा है और अपना समाज का भी नाम बदनाम कर रहा है, उन लोगों का कारण से पूरे देश में हमारा प्रदेश का नाम बदनाम हो रहा है। तो इसलिए हम लोग लॉ एंड ऑर्डर को हम लोग उसको विद आयरन हैंड हम लोग डील करेंगे। अभी अरुणाचल के लिए मैंने कल भी कहा कि यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमारा होम डिपार्टमेंट के जरिए से अभी इस बार कैबिनेट में हम लोग ने अप्रूवल दे दिया है। ईटानगर को हम लोग एक रेंज के तौर पे यहाँ पे एक IG लेवल ऑफिसर का यहाँ पे ईटानगर में पोस्टिंग किया जाएगा, उसका अंदर में 3 SP हम लोग को यहाँ पे दे रहे हैं। अभी केवल ईटानगर नाहरलगुन में एक ही SP है, तो यहाँ पे 3 SP का हम लोग ने ऑलरेडी अप्रूव कर दिया है, 310 मैन पावर का सेक्शन कर दिया है और लॉन्ग टर्म में 4,700 कॉन्स्टेबल्स का भी ईटानगर एरिया के लिए हम लोग ने अप्रूवल दे दिया है। हम लोगों का प्राइम ड्यूटी भारतीय जनता पार्टी का ये है सभी लोगों का सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, ये हमारा टॉप प्रायोरिटी है अपने कैपिटल एरिया में। लोगों को एक फ्रीडम होना चाहिए और चाहे रात में कहीं भी जाता है
बड़ा आराम से उन लोगों का कुछ भी चिंता नहीं होता है। इस तरह का सिक्योरिटी का माहौल जो है हम लोग यहाँ पे अपने जनता को हम लोग डेडिकेट करेंगे ताकि इटानगर में इन्वेस्टमेंट और भी आए, हमारे जो यंग जनरेशन है उसको एम्प्लॉयमेंट एवेन्यूज हम लोग और भी हम लोग दे पाएंगे। अभी जो खास करके रेवेन्यू सेक्टर में काफी हम लोगों ने डेवलपमेंट अचीवमेंट किया है। आज आप लोगों के बीच में अपने राज्य सरकार का जो 7 इयर्स अचीवमेंट का भी एक बुकलेट आप लोगों को दिया हुआ है, वहाँ में पूरा डिटेल और विथ डाटा के साथ में वहाँ पे दिया हुआ है। मैं पूरा डिटेली में ज्यादा नहीं चाहेगा, मैं अंत में सिर्फ केवल यही कहना चाहूंगा कि रेवेन्यू सेक्टर में 2016 में हमारा स्टेट का बजट हुआ करता था 12,500 करोड़ इन 2016। अभी 7 साल बाद इस बार आप देखिए उस 12,500 करोड़ को लेके अभी हम लोग 30,000 करोड़ 30,000 करोड़ हम लोगों का राज्य का बजट हम लोग दे पा रहा है। और जो इंटरनल रेवेन्यू जो रिसोर्सेस है 2015-16 में केवल 900 करोड़ था राज्य का इनकम, राज्य सरकार का इनकम टैक्स कलेक्शन बोलिए रेवेन्यू कलेक्शन ओनली 900 करोड़ वे बैक इन 2015-16। अभी इस बार 22-23 का ऑनरेबल डीसीएम साहब ने जो बजट पेश किया उसमें आप देखिए कि 900 करोड़ से अभी उठकर पहुंच गया है 3500 करोड़ अपना राज्य का इनकम। अभी आने वाले दिनों में हम लोग का जो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के आधार पे हो और बड़ा बड़ा जो लॉन्ग टर्म जो हम लोग का पॉलिसीज है हाइड्रो पावर सेक्टर को डेवलपमेंट करने का, एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर सेक्टर को डेवलपमेंट करने का, टूरिज्म इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करने का, इन सारा क्षेत्र को मिलाने से धीरे धीरे अभी हर एक साल हम लोगों का स्टेट का रेवेन्यू भी है वो बढ़ते जाएगा। जब स्टेट का रेवेन्यू बढ़ेंगे तो हम लोगों को और भी लोगों को लोगों के लिए काम करने का हम लोगों को और भी मौका मिलेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर गैप अभी भी बहुत सारा सेक्टर्स में है तो धीरे धीरे आने वाला दिनों में इंफ्रास्ट्रक्चर गैप भी हम लोग मीटअप कर पाएंगे। अभी और एक चीज जो है स्किलिंग हम लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अभी आज देखिए कुछ भी काम करना हो हमेशा वर्क फोर्स जो है वो बाहर का राज्य के ऊपर में हम लोग डिपेंडेंट है, इसलिए अपने अपने जो क्षेत्र में हम लोगों को मोटिवेट करना चाहिए अपने यंगस्टर्स लोगों को जो लोग अभी एम्प्लॉयमेंट जिनको नहीं मिला है कि स्किलिंग सेंटर में जाके उसको कुछ ना कुछ स्किलिंग सीखना ये बहुत जरूरी है। अपना ही मैन पावर अपना प्रदेश में हम लोगों को तैयारी करना होगा। केंद्र सरकार के सहयोग से स्किल सेंटर भी अभी अरुणाचल में और भी हम लोग बना पा रहे हैं। अभी कोर्सेज भी है हम लोग उसमें अभी रिसेंटली कैबिनेट में मैन पावर के साथ भी अप्रूवल करके हम लोग अपना स्किल सेक्टर को भी हम लोग स्ट्रेंथनिंग हम लोग कर रहा है। तो ये 1 month लॉन्ग का जो श्री नरेंद्र मोदी ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब का 9 years का जो अचीवमेंट है उसको हम लोगों तक जन जन तक हम लोगों को पहुंचाना है। हमारा पार्टी अध्यक्ष श्री भीमराव बागे जी का जरिए से सभी पार्टी के कार्यकर्ता और खास करके हमारा डिस्ट्रिक्ट में जितने भी जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स है ऑनरेबल MLAs है आप सभी को पार्टी का डायरेक्टिव आप लोगों को दिया गया है अकॉर्डिंगली इस 1 month का जो टारगेट दिया है आप लोग जरूर अपना सभी कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अच्छा से कैरी आउट कीजिएगा। जनता के साथ में जुड़कर PM साहब के इनिशिएटिव से जो काम हुआ है उसको आप बताइए, अगर जनता को और भी कुछ कुछ फैसिलिटीज से अगर जुड़ नहीं पाया उसको भी आप लोग जुड़ने का काम भी हम सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसी प्रकार से हम लोगों का टीम अरुणाचल का हिसाब से हम लोग नरेंद्र मोदी साहब के साथ में टीम इंडिया में हम लोग कंट्रीब्यूट हम लोग कर पाएंगे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ में आज क्योंकि हमारा वेस्टर्न पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के ये एक बड़ा एक सभा है तो हमारे वेस्टर्न पार्लियामेंट्री क्षेत्र के हमारे माननीय किरण साहब सांसद और ऑनरेबल मिनिस्टर यहाँ मौजूद है तो बाकी के हमारे श्री किरण जी अपने स्पीच में कवर करेंगे। इन्हीं चंद शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय अरुणाचल, जय भारतीय जनता पार्टी।